हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। ये बिलोंग करता है बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर जैसे आप जानते हैं कुछ टाइम से अच्छे अप ट्रेंड में है और ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में है। बट इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आई हैं जिसको पढ़ना, जानना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ये न्यूज कहाँ से आई हैं, कुछ अपनी मैनेजमेंट की साइड से इनकी तरफ से आई हैं, क्या न्यूज है वो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे, क्या उसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर हो सकता है वो भी हम स्टडी करेंगे। और सेकंड जो न्यूज आई है वो ओवरसीज से आई है। ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर ने कुछ बैंक के बारे में पब्लिश किया था, कुछ स्कैम के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है एक्सिस बैंक के ऊपर। और थर्ड जो है, ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी अपने जो टारगेट्स दिए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और फोर्थ है, जो गवर्नमेंट ने अपना कुछ स्टेक सेल किया है पिछले 15-20 दिन में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और आगे आपको पूरा जो डिस्कशन है वो सुनने को मिलेगा। कैसे प्राइस पे इम्पैक्ट आ सकता है, किस प्राइस पे आपको लेना है, कितना इसके अंदर डाउनसाइड बनता है और क्या टारगेट्स ऊपर के बनते हैं और कितने इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। आज जो ट्रेड हुआ है एक्सिस बैंक वो 608.60, आप देख सकते हैं 18 दिसंबर की डेट है, तो 0.53% ऊपर बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी जो है 0.43% डाउन बंद हुआ है। ये प्रेशर में बंद हुआ है 30,714 पर, जो इसका लो था 30,774 पे गया था और 30,854 जो है इसने हाई बनाया था, 3854 जो है हाई बनाया था, 3714 ये डाउन बंद हुआ है। एक्सिस बैंक 0.53% ऊपर बंद हुआ है, 608.60 इसकी क्लोजिंग प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि जो लो आज इसने बनाया था इंट्राडे में 596.50 का था, हाई 5611 का है, तो अपने हाई के ही आसपास ये कहीं बंद हुआ है। तो आपके लिए देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे ये ग्राफ पे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो देखेंगे इसके क्या डाउनसाइड बनते हैं, पहले न्यूज़ पे ध्यान देंगे, उसके बाद ग्राफ चार्ट के ऊपर हम आएंगे कि ऐसे ये एक नैरो रेंज में काम कर रहा है, क्या इसके डाउनसाइड हैं, क्या इसके टारगेट्स बनते हैं आगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे न्यूज के बाद। एक ब्रोकरेज हाउस ने जो इसका टारगेट दिया है पहले वो भी देख लेते हैं। सेमको सिक्योरिटी सीजेस 32% रैली इन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ 802 ए पीस। तो आप देख सकते हैं कि 802 के इसके अंदर प्राइस दिए जा रहे हैं, जबकि स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है 608 के आसपास का चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 32% के आसपास इसके अंदर अपसाइड दिखाई गई है इस लेवल से भी। अब चलते हैं हम आगे की न्यूज के बारे में, आपको बताते हैं कैसे कैसे न्यूज आ रही है मैनेजमेंट की साइड से, ओवरसीज से, ब्रोकरेज हाउसेस से और जो गवर्नमेंट ने स्टेक सेल किया है उससे। तो आगे डिस्कस करते हैं। न्यूज है इसके अंदर कुछ दिन पहले जो है, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आई थी, सेंटर लाइकली टू फर्दर कट आउट स्टेक इन एक्सिस बैंक। तो सेंटर के पास कुछ होल्डिंग है इसकी, जिसको उन्होंने दो जो ट्रेंचेज हैं उसके अंदर इसको अपने जो शेयर्स हैं उसको निकाला है। दी सेंट्रल गवर्नमेंट इज लाइकली टू फर्दर पे डाउन नेक्स्ट मंथ इट्स स्टेक इन एक्सिस बैंक हेल्ड बाय द स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ द यूटीआई, यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो सूटी है, आफ्टर गार्निंग 600 करोड़ थ्रो स्टेक सेल इन द लेंडर इन टू ट्रेंचेज। तो ये कौन सी दो ट्रेंचेज में उन्होंने पैसा निकाला है? सूटी सोल्ड 61.43 लाख शेयर ऑफ एक्सिस बैंक बिटवीन 2-4 दिसंबर, विच फेजेज द गवर्नमेंट 374 करोड़ स्टॉक एक्सचेंजेस फाइलिंग शो। लास्ट मंथ बिटवीन 26th to 27th November इट हैज सोल्ड 36.25 लाख शेयर्स। तो दो ट्रेंचेज में इनको निकाला गया है शेयर्स को, और पहले 61 पहले निकाले गए हैं 36.25 लाख शेयर और फिर निकाले गए हैं 61.43 लाख शेयर्स, और इससे इन्होंने जो अकोमुलेट किए हैं वो 600 करोड़ रुपये अकोमुलेट किए हैं, पहले 374 और फिर 221 करोड़ के आसपास इन्होंने शेयर्स किए हैं। जो इनके पास शेयर है पोस्ट दी लेटेस्ट स्टेक सेल, सूटीज शेयर होल्डर इन दी एक्सिस बैंक इज डाउन टू 3.92%, इट हेल्ड ए 4.33% स्टेक इन दी बैंक एज ऑफ 30th September। आप देख सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है 30th September का, जो हर क्वार्टर में एक कंपनी अपनी तरफ से देती है, तो उसके अंदर जो इनका स्टेक था वो 4.33% का था, अब इसको बेचने के बाद इनका जो स्टेक है वो 3.92% के आसपास का हो गया है।
600 करोड़ रुपए इनको उससे मिले हैं। तो फर्दर देखते हैं, ये तो हुआ स्टेक सेल का गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनके ऊपर एक ओवरहैंग चल रहा था काफी टाइम से कि बेच सकते हैं बेच सकते हैं, अब इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया और ये फर्दर भी बेच सकते हैं। इन्होंने क्यों बेचा है ये क्लियरली बता रहे हैं कि जो प्राइस थे वो इनको काफी अच्छा मिल रहा था इसके अंदर इस लेवल पे, तो आगे भी अगर प्राइस इनको अच्छा मिलेगा तो ये बेच सकते हैं आगे का भी। ये पूरी न्यूज आप देख सकते हैं इसके ऊपर, तो प्राइस जो था आप देख सकते हैं, वी सोल्ड अराउंड 1% ऑफ द स्टॉक बिकॉज द स्टॉक प्राइस वाज द हाईएस्ट इन 6 मंथ्स, 6 महीने के हाई पे ये मूव कर रहा था तो हमने जो है 1% स्टॉक बेचा है। वी विल वेट फॉर 1 मंथ और सो इफ द स्टॉक प्राइस इंक्रीजेज देन वी मे फर्दर कट आउट स्टेक इन एक्सिस बैंक, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल सेड अंडर कंडीशन ऑफ एनोमिनिटी। आप देख सकते हैं ये क्लियर न्यूज है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टेक इसके अंदर घटाया है, 600 रुपए जो 6 मंथ का हाई चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने 1% स्टेक बेचा है और फर्दर भी वो अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो अपना बेच सकते हैं। ये काफी टाइम से न्यूज चल रही थी, ओवरहैंग था स्टॉक के ऊपर जो कि धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक्सिस बैंक रिफर्ड्स रिपोर्ट ऑफ 44,000 करोड़ लोन टू SREI ग्रुप एज वेस्टलेस, इसके ऊपर एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी थी 2-3 दिन पहले। जैसे आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक ऑन ट्यूजडे क्लैरिफाइज ऑन ए क्लेम बाय ऑस्ट्रेलिया बेस्ड न्यूज पोर्टल स्केम्स ब्रेकिंग दैट प्राइवेट सेक्टर लेंडर प्रोवाइडेड लोन टू कोलकाता वेस्ट SREI इंफ्रा टू ए ट्यून ऑफ 44,000 करोड़ विदाउट एनी ड्यू डिलीजेंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एंड यूज ऑफ द अमाउंट, की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की गई है और कोलकाता बेस्ड कंपनी को 44,000 करोड़ का जो है लोन दिया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। ये ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़पेपर के अंदर छपा है, ये स्कैम के बारे में छपा गया है। तो रिफरिंग द न्यूज पोर्टल्स एलिगेशन द लेंडर सेड द रिपोर्ट इज ग्रोसली इनएक्यूरेट एंड बेसलेस इन सोर एज द बैंक्स आउटस्टैंडिंग टू इसराइल एंटिटीज और अंडर राइटिंग प्रैक्टिसेज एंड कितना लोन ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो सराय इनकी बुक्स में है बैंक्स हैज इन आउटस्टैंडिंग लोन टू सराय एंटिटीज एंड सराय ग्रुप स्टूड एट 411 करोड़ एंड 800 करोड़ रिस्पेक्टिवली, 411 करोड़ जो है इसके ऊपर सराय एंटिटीज पे है और सराय ग्रुप के ऊपर जो है 800 करोड़ का 14 दिसंबर 2020 की डेट में जो लोन था वो इतना ही लोन है। 44,000 का जो बताया गया लोन एक स्कैम बताया गया है वो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 1211 करोड़ का जो लोन करोड़ का लोन बनता है वही बनता है। तो बैंक ने बताया जो इनकी प्रैक्टिसेज हैं उनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ दिया गया है लोन। तो बैंक ने इसके अगेंस्ट, पूरी न्यूज मैं नहीं पढ़ूंगा आप इसे देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इसके पुलिस कंप्लेंट भी एक फाइल की है विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एंड द परस्यूइंग लीगल रिपोर्ट रिसोर्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल और ग्रुप बिहाइंड द आर्टिकल, जिस इस आर्टिकल के पीछे जो बैंक की इमेज खराब करने के लिए जो छापा गया है बिना कोई फैक्ट्स के बिना कोई ड्यू डिलेंस किए, तो पुलिस में कंप्लेंट भी इसके फाइल की गई और सेक्शंस के अंडर वो कंप्लेंट्स की गई है। Ahead of the announcement, shares of Axis Bank ended Tuesday 606 के ऊपर वो बंद हुए हैं, 1.5% के आसपास डाउन हुए थे। तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी चर्चा में रही थी जिसकी वजह से शेयर का प्राइस डाउन आया, और सेकेंडली जो गवर्नमेंट ने अपने स्टेक सेल किए हैं रिसेंटली उसकी वजह से भी एक्सिस बैंक जो है एक टाइम पे रुका हुआ है। थर्ड जो है ये आज की न्यूज है 17 दिसंबर की 5:29 की, रिटेल एनपीए टू बी हायर इन जो है हाफ ईयर टू फाइनेंशियल 21 टू रिटर्न टू प्री कोविड लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 22, एक्सिस बैंक का कहना है। ये क्या न्यूज है, ये न्यूज है रिटेल जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए विल बी हायर इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। बैंक का कहना है कि जो एनपीए हैं जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे या फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर एनपीए बढ़े हुए नजर आएंगे एंड विल गो बैक टू द प्री कोविड लेवल्स ओनली इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। यहाँ क्लियर कहा गया है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हम जो है प्री कोविड लेवल पे पहुंच पाएंगे, तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के लिए इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए कि रिजल्ट्स थोड़े सबड्यूड आ सकते हैं और एनपीए इंक्रीज उसके अंदर हो सकते हैं। द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर हाउएवर सेड द एसेट क्वालिटी सिचुएशन इज मच बेटर देन बट वॉज फियर्ड इनिशियली, जो पहले एक डर था उससे बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, जो इनिशियली इन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि बिल्कुल जो क्वालिटी बिगड़ जाएगी बट उससे अच्छी क्वालिटी नजर आ रही है।
और ये धीरे धीरे प्री कोविड लेवल पर भी पहुंच जाएंगे। ये सब इन्होंने किस बेस पे बोला है कि गिवन द फैक्ट्स दैट लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, सम हैड टू टेक सैलरी कट्स, कईयों की जॉब चली गई है, कईयों की सैलरी कट हो गई है, और जो इंडस्ट्री है वो एक बैड फेज से निकल रही है, जो लोन्स की जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। बट दीज नंबर्स आर मच लोअर देन वट वी हैड एंटिसिपेटेड, जो एंटिसिपेट किया गया था उससे काफ़ी लोअर नंबर है, तो प्री कोविड लेवल पे आने वाले टाइम पे पहुंच सकते हैं ये। ही सेड लोन रिपेमेंट्स आर इम्प्रूविंग एवरी मंथ, ही सेड लोन रिपेमेंट्स आर इम्प्रूविंग एवरी मंथ एंड स्टॉक ऑफशोर डेब्ट फ्रॉम द पास्ट विल लीड टू द हायर एनपीए इन द दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर। ये दिसंबर और मार्च क्वार्टर की जो बात कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स की, तो एनपीए थोड़े से इसमें लीड कर सकते हैं, बट सिचुएशन इम्प्रूव्स टू गो बैक टू प्री कोविड लेवल्स इन द फ्यू फिस्कल स्टार्टिंग अप्रैल 2021, जो न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट होगा अप्रैल 21 से, वहाँ से इनकी पोजीशन काफ़ी सुधरनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये अपने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस का बता रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट वहाँ पर भी थोड़ा सा स्ट्रेस है, बट वो भी इम्प्रूव कर रहा है स्लो स्लो। इट इज़ फोकसिंग ऑन द बैंक्स एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस फॉर द अनसिक्योर्ड लैंडिंग सेगमेंट, ही सेड, adding that from a loan repayments perspective the worst is behind for the salary segment। अब आगे वाली पोजीशन वो बता रहे हैं काफ़ी अच्छी होने वाली है, जो बैड फेज था वो पीछे रह चुका है। द लेंडर्स हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग एंड रिटेल लाइबिलिटीज रवि नारायणन सेट द बैंक हैड सेट असाइड एक्सेस ऑफ 12,540 करोड इन प्रोविजन फॉर द रिजर्व एंड ऑल्सो रेजी रुपीज 10,000 करोड ऑफ फ्रेश कैपिटल टू टेक द ओवरऑल एडिक्वेसी टू ओवर 19% विद ए न्यू व्यू टू प्रोवाइड पॉजिटिव बैंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इनके पास जो एसेट्स इन्होंने साइड की हैं, प्रोविजनिंग की हुई है 12,540 करोड़ की हुई है, और 10,000 जो इन्होंने मार्केट से फ्रेश अभी कैपिटल उठाई है, तो इनके पास आने वाले सालों के लिए अच्छी उसके लिए एडिक्वेट कैपिटल है बैंक को चलाने के लिए, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दो क्वार्टर ये बता रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, बट ओवरऑल जो है आने वाला टाइम इनके लिए अच्छा होगा, बैंक के लिए अच्छा होगा। ये कुछ न्यूज़ थी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो उन्होंने स्टेक सेल किया। जो फॉरन की न्यूज़ मैंने बताई, ऑस्ट्रेलिया न्यूज़पेपर में जो एक स्कैम का छपा था एक्सिस बैंक के बारे में वो मैंने आपको बताया, और जो बैंक मैनेजमेंट ने अपना एक इंटरव्यू दिया आज ही जिसके अंदर उन्होंने बताया आने वाले क्वार्टर को स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, उसका भी मैंने आपको बताया। अब आप जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनके अगर टारगेट्स देखेंगे, एक्सिस बैंक शेयर्स प्राइस गेन 2% आफ्टर जेफरीज मेंटेन बाय, आप देख सकते हैं कि एक्सिस बैंक शेयर गेन 2% इंट्राडे ऑन 24 नवंबर। इनके जो टारगेट्स हैं वो जो दिए हैं वो टारगेट 700 कर दिए हैं, पहले 610 के टारगेट हुआ करते थे इनके, तो इन्होंने इंक्रीज करके, अभी शेयर का प्राइस मैंने आपको बताया 605-606 के आसपास चल रहा है और एक नैरो रेंज में चल रहा है, तो 610 पहले जो इनका टारगेट प्राइस होता था वो इसको बढ़ा के 700 रुपीज़ इन्होंने कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जेफरीज की रिपोर्ट है। सेकेंड रिपोर्ट आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल की, उन्होंने भी जो टारगेट दिए हैं 650 के आसपास के इन्होंने टारगेट दिए हैं, तो ये बता रहे हैं कि आने वाला टाइम काफ़ी इम्प्रूव करेगा बैंक, और 650 के इन्होंने भी टारगेट दिए हैं। ये जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म में तो यहाँ से ये शेयर डबल भी हो सकता है। अब हम इसे एक बार अपने चार्ट पे देख लेते हैं कि चार्ट पे शेयर का जो पैटर्न है कैसे नज़र आता है। अगर शेयर को आप देखें प्री कोविड लेवल पे जो है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे काम किया करता था 765 रुपये के आसपास, जो इसे ब्रीच नहीं कर पा रहा था उससे पहले जो शेयर ने हाई बनाया था 824-25 रुपये का हाई बनाया था, जो कि आप देखेंगे 14 जून 2019 के आसपास ये जो है 830-40 रुपये के आसपास काम किया करता था शेयर, तो वहाँ से जो करेक्ट हुआ था, करेक्ट होने के बाद ये 643-44 रुपये के आसपास आया था, अगेन ये ऊपर गया था, ये जो इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन रेजिस्टेंस बना था 760 रुपये के आसपास का, जो कि अभी भी ये जो शेयर है इस जोन को क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक अच्छा पैटर्न नज़र आता है ओवरऑल इस बैंक का, आने वाला टाइम अच्छा होगा इसका। अब जो आप देखेंगे यहाँ पर ये शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है, प्री कोविड जो लेवल था मैंने आपको बताया 760 रुपये के आसपास का जो चल रहा था, उसके बाद ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 305 रुपये के आसपास ये आया था, लगभग हाफ से भी ज़्यादा ये टूटा था, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स काफ़ी नीचे चला गया था, लोन्स की और जो बैंकों की इमेज थी और ये सब चीज़ें जो कंसर्न था एक इंडियन इकोनॉमी पे और फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, उसकी वजह से सभी बैंकिंग सेक्टर्स काफ़ी टूटे थे, तो आप देखेंगे 760 रुपये से टूट कर लगभग 300 रुपये के आसपास ये आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे इसने रिकवरी दिया, एक रेंज
में इसने काम किया है काफ़ी टाइम। आप देखिए काफ़ी अच्छा बेस इसने बनाया है। यहाँ पर जो 484 रुपये का लेवल है, इसने दो तीन बार इसे ब्रेक करने की ट्राई की है। आप देखिए तो इस रेंज में ये काम कर रहा था। धीरे धीरे ये रेंज, जब मैं बोलता हूँ कि नैरो रेंज होती चली जाती है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। पहले जो रेंज थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी, उसके बाद जो रेंज है आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की रह गई थी। ये एक कंसोलिडेट कर रहा था इस रेंज के अंदर और काफ़ी टाइम इसने इसके अंदर निकाला है। एक बार जब 500 को क्रॉस किया प्रेशर आया और उसके बाद अगेन ये 400 के आसपास आ गया था, 372 और 400 के बीच में आया है ये। देखिए 500 को क्रॉस करने का बहुत ज़्यादा मोमेंटम रहता है इसके अंदर। 533 से शेयर जो है लगभग 414 के आसपास पहुंच गया था, जो लो बनाया था 400 के आसपास का बनाया था। तो 20% का डिक्लाइन था यहाँ पर भी, आप देखेंगे 533 से लगभग 400, ओवरऑल 20-22% के आसपास का यहाँ पर भी इसने करेक्शन दिया था। उसके बाद शेयर जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है, आप देखेंगे 400 के लेवल से 600 पहुंच गया, 50% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। अब जो शेयर है एक कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में, आप देखेंगे लगभग इस रेंज में ये 13 नवंबर से है और आज हम 16-17 तारीख में है, तो एक पिछले एक महीने से जो है इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि रेंज बनती है 596 के आसपास से लेके 640 के आसपास की। एक नैरो रेंज में पिछले एक महीने से काम कर रहा है 6-7% के आसपास का। बट ये जो रेंज है, कोई भी न्यूज आती है, जैसे अभी आज न्यूज आई मैनेजमेंट की कि एसेट क्वालिटी थोड़ी पुअर हो सकती है, तो कोई भी न्यूज़ का अगर इफेक्ट आता है शेयर के और ये शेयर नीचे जाता है, तो पहला जो जोन बनता है वो 575 और 580 के आसपास का जोन बनता है, यहाँ पर ये शेयर सपोर्ट ले सकता है ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास, 570 और 575 के आसपास का बनता है। कोई भी न्यूज आती है बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से, जैसे आ जाए बैंकिंग इंडेक्स में अगर कोई प्रेशर आता है, इकोनॉमी में कोई प्रेशर आता है या कोई और न्यूज आती है निकल के, तो अगर ये शेयर नीचे आता है और 600 को ये ब्रेक करता है तो पहला जो सपोर्ट रहेगा 570 के आसपास का रहेगा, और सेकंड जो रहेगा फिर 520 के आसपास का रहेगा। आप कहेंगे ये शेयर 600 से टूट के 520 आ जाएगा, बिल्कुल इसके अंदर मोमेंटम रहता है काफ़ी। अगर ये आता है नीचे तो आपको इस प्राइसेज पे अकोमोलेट करना चाहिए, बहुत अच्छा बैंक है और आने वाले टाइम में यहाँ से भी ये डबल के रिटर्न आपको इजिली देगा। तो ये बैंक 1000 को भी क्रॉस करने की कैपेसिटी रखता है, सिर्फ जो इसका रेजिस्टेंस जोन आएगा वो ये 700 के आसपास आएगा। अगर ये यहाँ से मूव करता है स्लो स्लो तो ये 700 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, जो कि काफ़ी हाई, जो आप देखेंगे काफ़ी टाइम इसने इसके अंदर निकाला है। तो ये 700 और इसके बीच में टाइम निकाल सकता है, और यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा नहीं कह सकते, 2 हफ्ते में पहुँचेगा, 2 महीने में पहुँचेगा या 6 महीने में पहुँचेगा, क्योंकि अभी एसेट क्वालिटी की जो बात हो रही है थोड़ा सा हो सकता है ये डाउन आए, तो आपको 580-570 के आसपास इसको अकोमोलेट करना है। बहुत अच्छा बैंक है, बिना डरे आप अकोमोलेट कर सकते हैं, मंथली सिप कर सकते हैं इसके अंदर, SIP कीजिए, कुछ कुछ अमाउंट इसका उठाते रहिए। अच्छा बैंक है और हाई मोमेंटम बैंक है, बहुत अच्छा पैसा बहुत जल्दी बना के दे सकता है। कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स हर उसके अंदर होते हैं, डाउनसाइड इसके अंदर भी लिमिटेड है। अगर ये नीचे गिरता है तो उतनी ही जल्दी ये बाउंस बैक भी करता है। कोई भी बुरी खबर आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए होती है, अच्छी कंपनी में कोई भी बुरी खबर आती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एक मोमेंटम देती है शेयर को। ऐसे जैसे ये नीचे गिरता है तो आपको इस लेवल पर इसे अकोमोलेट करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बाउंस बैक करता है। अब यहाँ पर भी देखेंगे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, 534 रुपये का शेयर विद इन कुछ ही टाइम में 400 रुपये पर मिलना स्टार्ट हो गया था, और जिसने यहाँ पे अकोमोलेट किया था उसके बाद देखिए अगेन वी शेप रिकवरी इसने दी है और एकदम शार्प जो है मूव दिया है। यही नहीं, आप और भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 485 का शेयर ऑलमोस्ट जो है 347 रुपये पहुँच गया था, तो उसके बाद अगेन ये यहाँ पर 484 के आसपास पहुँच गया था। आप डेट देखिए 22 जुलाई और यहाँ पर डेट देखिए 14-17-4, 3 महीने के अंदर इतना शेयर डाउन गया और अगेन बाउंस बैक किया है उसने। तो यहाँ पर भी यही हुआ था, विद इन 1 मंथ जो है 31-8 को ये शेयर इतना था और वापस देखेंगे 27-10 को अगेन ये 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा रिकवर कर गया। तो यहाँ पर भी अगर कोई डिप आता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक लक होगा कि हमें ये और शेयर नीचे मिल जाता है जो पहले हम अकोमोलेट नहीं कर सके, तो अगर नीचे आता है बिल्कुल इसे बिना घबराए आप इसे अकोमोलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये शार्प रिटर्न देगा, बाउंस बैक करेगा, यहाँ पर जाके इसका रेजिस्टेंस आता है। बट आप 2 या 3 साल इसे होल्ड कर सकते हैं तो ये डबल भी यहाँ से आपको रिटर्न दे सकता है। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, अपने रिस्क बिहेवियर को एक बार चेक कर लीजिए कि आप रिस्क ले सकते हैं, कितना डाउनसाइड रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, आपकी होल्डिंग पीरियड कैसी है,
तो उस चीज़ को सबको एक बार स्टडी करने के बाद ही किसी भी शेयर में पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।